الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب میرے سب سے پہلے مولانا ناصر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں ختم قرآن پر اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن کریم کو سنا اور اس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ حضرات نے 30 پارے سنے, 114 سورتیں سنی اور 6236 آیتیں سنی, اور آپ حضرات نے 77,000 حروف 3,23,670 حروف آپ نے سنے. تو ایک ختم جو پڑھا گیا اور آپ نے سنا, ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ, جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اول حسنۃ بعشر امثالہا, اور ایک نیکی اس کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے سورۃ انعام میں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. تو پھر جب اتنے حروف پڑھے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے. الف لام میم جب ایک شخص پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب آپ نے 3,23,670 حروف سنے اور مولانا نے اس کی تلاوت کی, تو اس طرح ایک ختم کا ثواب کتنا ہوتا ہے, اس کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں, 3,236,700. ایک ختم اس کے برابر ہوتا ہے. اور یہ جو عام قاعدہ ہے اس کے مطابق, اس کے علاوہ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اخلاص کے بقدر اس سے بھی زیادہ کسی کو ثواب دیتا ہے, تو اللہ کی مرضی ہے. صحابہ اکرام وہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے تھے, زیادہ ختم بھی کرتے تھے کثرت ثواب کے لیے. ایک طرز عمل تو ان کا یہ تھا, اور ایک طرز عمل یہ تھا
कि वो कुरान करीम में गौर व फिक्र करते थे और इसको समझते थे, सीखने के लिए इसमें गौर व फिक्र करते थे, तो उस पर कई साल लगते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत बकरा पर 10 साल लगाए, 10 साल। और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने सूरत बकरा पर 8 साल लगाए। वो सहाबत है, अरबी उनकी मादरी जबान थी, लेकिन इतना अरसा उन्होंने कुरान सीखने पे लगाया। क्योंकि कुरान करीम के जो अल्फाज है ये अल्लाह का कलाम है, और इतनी नेकियां मिलती है, ये मोजिज है, इसका पढ़ना ये इबादत है, लेकिन किस मकसद के लिए आया है वो खुद इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है कि वो सिर्फ पढ़ना नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं किताबुन, सूरत स्वात आयत नंबर 29, अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम की नुज़ूल का मकसद अल्लाह ताला खुद बयान फरमाते हैं। सूरत बकरा के बिल्कुल शुरू में अलिफ लाम मीम, उसके बाद क्या है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया की कोई किताब उसकी शुरू में यह ऐलान नहीं होता है कि इस किताब में कोई शक नहीं, बल्कि किताबें लिखने वाले उज़र पेश करते हैं कि मेरी किताब में गलतियाँ हो सकती हैं और मेरा इलम कम है, वो माजरत करता है, लेकिन ये मासूम किताब है, उसकी शुरू में ऐलान है ला रैब फी है, इसमें शक नहीं। किस लिए आया है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत की किताब है। किताब अनज़लनाहु इलैका मुबारक, अल्लाह फरमाते अज़ीम किताब है, हमने इसको नाजिल किया पैगंबर आपकी तरफ, मुबारक बरकत वाली है, इसके अंदर खैर है, शक नहीं है इसमें, और इसके पढ़ने से बरकत आती है, इसके साथ जो भी वाबस्ता होता है उसके इलम में, उसकी उम्र में, उसके माल में, उसके हर चीज़ में बरकत आती है। हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है शियातीन उससे भाग जाते हैं, फरिश्ते उसमें आते हैं और वो घर वसी हो जाता है, उसके अंदर वो साख पैदा हो जाती है। छोटा सा घर भी हो वो वसी होगा, वो आपको बड़ा लगेगा, लेकिन जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है ना, तो शियातीन के डेरे लग जाते हैं, फरिश्ते उसमें नहीं आते और वसी से वसी घर भी तंग हो जाता है। इसलिए घर में भी कुरान करीम पढ़ा करो हमेशा, मुबारक, इसकी बड़ी तफसील है कि एक ऐसी मुबारक किताब है, लेकिन अल्लाह ने किस लिए नाजिल किया, लियदब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसके आयतों में गौर व फिक्र करें, वलियतदक्कर उलुल अलबाब, और अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करें। फिर सूरत इब्राहिम की शुरू में अल्लाह ताला इसका और मकसद बयान करते हैं, क्यों मैंने नाजिल की, अलिफ लाम रा किताब, यह अजीम किताब है, अनज़लनाहु इलैक, हमने नाजिल किया पैगंबर आपकी तरफ, जितने हम बड़े हैं उतनी मेरी किताब बड़ी है। किस लिए नाजिल किया, लितुख्रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, पैगंबर ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालें। अब आप बताएं कि सिर्फ अल्फाज से हम रोशनी से रोशनी की तरफ निकल सकते हैं अंधेरों से, नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप दुनिया की कोई किताब अल्फाज के हद तक नहीं पढ़ते हैं,
उसको समझते हैं कि इसमें है क्या। एक कुरान के साथ हम ये जुल्म करते हैं कि सिर्फ अल्फाज की हद तक पढ़ते हैं, इसकी समझने के लिए न हम चिल्ला देते हैं, न चार महीने देते हैं, न उसमें न उसके लिए हम दरस कुरान में बैठते हैं, न एक हरफ पढ़ते हैं, न तर्जुमे का मुताला करते हैं। सहाबा इकराम कुरान करीम को क्या समझते थे? रसाइल मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम आ रहे हैं, मैसेज है अल्लाह की तरफ से, पैगाम है। आप इसको समझेंगे तो आपके अकीदे में इंकलाब आएगा, आपके अमल में इंकलाब आएगा, आपके अखलाक में इंकलाब आएगा, आपके मामलात में इंकलाब आएगा और आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप अंधेरों से रोशनी की तरफ निकलेंगे। ये रोशनी वाली किताब है। ले तो खरीजा, ये पैगंबर को खिताब है, फिर उलमा की जिम्मेदारी बयान की जाती है कि वो कुरान बयान करें और लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालें, शिरक के अंधेरे से, बिदत के अंधेरे से, जहालत के अंधेरे से और गुमराही के अंधेरे से। ये किताब निकालती है इंसान को तौहीद की तरफ, सुन्नत की तरफ, इल्म की तरफ, हिदायत की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए हैं कि आप किस तरह अंधेरों से रोशनी की तरफ निकलेंगे। उसका एक तरीका यह है कि अल्लाह ताला दलाइल बयान करते हैं, हक को अल्लाह ताला दलाइल से साबित करते हैं और बातिल से दलील का मुतालबा करते हैं। आप कुरान पढ़ते हैं ना, हा तो बुरहान इन कुंतुम सादिकीन पढ़ते हो ना, सुनाई तो भी है जगह जगह, हा तो बुरहान इन कुंतुम सादिकीन, पेश करो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। पहले अल्लाह ताला हक के दलाइल बयान करते हैं और काफिरों से दलील का मुतालबा करते हैं, पेश करो ना। क्यों? इसलिए कि दलील अल्लाह का खलीफा है दुनिया में। अल्लाह ताला किसी को पकड़ेंगे ना दलील की बुनियाद पे पकड़ेंगे। अभी पैगंबर नहीं है, अल्लाह की किताब मौजूद है जो हमारे पैगंबर का जिंदा मुजज़ा है और हर मिनट और सेकंड में तरोताज़ा है। और इस उम्मत के पास अल्लाह की बड़ी नियामत है, उलमा उसको बयान करते हैं, ये लोगों पर हुज्जत है। दलील की बुनियाद पर अल्लाह को पकड़ें। दलील अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह दलाइल बयान करते हैं और दलील की रोशनी में अपनी बात करते हैं। आप कुरान की दलाइल में गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह ने दावत दी है गौर व फिक्र करो। और एक तरीका यह है कि अल्लाह ताला मिसालें बयान करते हैं, मिसालों से बात समझाते हैं। फरमाते हैं तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्ला अलआलिमून, ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए और इसको आलिम समझते हैं। जो कुरान की मिसाल समझता है वो आलिम है, जो कुरान की मिसाल नहीं समझता है वो आलिम नहीं। इसलिए पहले ज़माने में, असलाब के ज़माने में, वो कुरान की मिसालों में गौर व फिक्र करते थे। मिसाल समझ में नहीं आती थी, वो रोते थे कि मैं आलिम नहीं हूँ। 44 किस्म की मिसालें हैं कुरान करीम में। अब अल्लाह ताला ने फजूल तो बयान नहीं किए, कुछ बात समझा रहे हैं अल्लाह ताला। और एक तरीका किस्सों का है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में किस्से बयान करते हैं, किस्से बयान करते हैं और उन किस्सों में अल्लाह ताला गौर व फिक्र की दावत देते हैं। सूरत यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तफसीली किस्सा है और उसके शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों में बड़ी इबरतें हैं, बड़ी निशानियाँ हैं मुहक्किकीन के लिए। इसमें गौर व फिक्र करो। उसके आखिर में फरमाते हैं लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अल्बाब, अकलमंदों के लिए इसमें इबरत है। अब मैं कुरान करीम के एक किस्से में थोड़ा आपको झलक दिखाता हूँ कि अल्लाह ताला हमें क्या समझाते हैं कुरान करीम में।
قرآن کریم میں سورۃ النمل ہے, سنا ہے آپ نے؟ کون سے پارے میں سورۃ النمل؟ 19 پارے میں. قرآن کریم میں بعض سورت ہے وہ مکوڑوں اور جانوروں کے نام سے موسوم ہے, اس میں ایک سورت نمل ہے. نمل کہتے چیونٹی کو. اس میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں, علم سے شروع کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤود و سلیمان کو علم دیا. وقالا, باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں, اب علم پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے علم کے ذریعے ہمیں اپنے بہت ساری بندوں پر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ سے بادشاہی بھی اللہ نے دی تھی, لیکن علم کا تذکرہ اللہ پہلے کر رہے, احسان چڑھا رہے. پتہ چلا علم اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے, جس کو اللہ نے علم دیا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اور علم مال دنیا کی قوت ہے, علم دنیا و آخرت دونوں کی طاقت ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, آپ کو اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ علم کیا ہے, علماء کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کی کتاب مفتاح دار سعادہ, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان سے اس کے چیلے نے پوچھا کیا وجہ ہے, بڑے بڑے بزرگ عبادت گزار دنیا سے جاتے ہیں مرتے ہیں, آپ خوش نظر نہیں آتے, لیکن ایک عالم جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے, زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا ہے, جب وہ دنیا سے جاتا ہے تم بہت خوش ہوتے ہو اور جشن مناتے ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں زبان سے جواب نہیں دوں گا, میں عملی طور پر تمہیں جواب دوں. شیطان نے وہ اپنی شیطانی جماعت لی اور ایک مسجد میں چلے گئے. شیطان انسانی شکل میں متشکل ہوتا ہے. سورۃ انفال میں آپ نے سنا ہوگا, سمجھا نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں لوگ قرآن سنتے سمجھتے نہیں, تو اس لیے ان پر بوجھ ہوتا ہے, نہ یہ روتے ہیں نہ ان پر اثر ہوتا ہے, یہ کہتے جلدی پڑھے کہ ہم بھاگ جائے. اور آپ تو شکر کریں کہ آپ کو اللہ نے ایسے امام دیے کہ وہ بہترین قرآن پڑھ رہا ہے, بہترین قاری ہے, اللہ کے شکر ادا کریں. ورنہ اکثر جگہ پہ ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کہنا مشکل ہوتا ہے اس کو. تو بدر کے موقع پر شیطان سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا تھا, اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بیٹھے ہوں گے, ایک شخص آئے گا اور وہ کوئی حدیث بیان کر لے گا. تو ایک شخص کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے سنا, چہرہ جانتا ہوں اس کا نام نہیں جانتا ہوں, وہ اس طرح بیان کر رہا تھا اس طرح بیان کر رہا تھا, کہتے وہ شیطان ہوگا اور لوگوں سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہوگا. تو شیطان اپنے شیطانی جماعت لے کر ایک مسجد میں گیا, وہاں عبادت گزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, عبادت کر رہے تھے. ایک بزرگ کے پاس وہ بیٹھ گئے, اور جب اس نے سلام پھیرا تو سجا جی ایک سوال ہے. اس بزرگ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں عالم نہیں ہوں, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھے. تو شیطان نے کہا کہ آپ بتائیں, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے خول میں بند کریں؟ اس نے کہا اللہ قادری, میں نہیں جانتا ہوں. پھر شیطان نے دوسرا سوال کیا کہ اے ستی اور رب کا یخلق مثل نفسی, تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ اپنے جیسے دوسرے خدا کو پیدا کرے؟ اس نے کہا اللہ قادری, میں نہیں جانتا ہوں. شیطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا آ جاؤ, اس کا تو کام ہو گیا, یہ تو کافر ہو گیا. دوسرے مسجد میں چلے گئے, وہاں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے پڑھا رہا ہے, اس کے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں الفاظ ہے کہ وہ ہنس رہا ہے, وہ ہنس بھی رہا ہے. ابھی اس واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسکرانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اسلام. تو کہتے وہ ہنس بھی رہا تھا. شیطان نے
उससे भी सवाल किया कि आप बताएं अल्लाह ताला कायनात को अंडे के खोल में बंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर फ़ाअमिल लिमा युरीद, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तब दूसरा सवाल, क्या अल्लाह अपने जैसे दूसरे खुदा को पैदा कर सकता है। उस आलिम ने कहा सवाल गलत है, सवाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जो जिसको अल्लाह पैदा करेगा वो तो मखलूक है और अल्लाह खालिक होगा, वो मखलूक है। जिसको अल्लाह पैदा करेगा वो मखलूक है, मखलूक खालिक के बराबर कैसे हो सकता है। अल्लाह जिसको भी पैदा करेगा वो अल्लाह जैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह खालिक होगा, वो मखलूक होगा। सवाल ही गलत है, ये सवाल दुरुस्त नहीं हो सकता है। अब शैतान लाजवाब हो गया, अपने साथियों से कहा देखो इसके मरने पर मैं इसलिए खुश होता हूँ कि ये अपने भी ईमान बचाता है, ये दूसरों का भी ईमान बचाता है। लौलल उलमा लकान अन्नास कल बहाइम, अगर हक परस उलमा ना होते तो लोग जानवरों की तरह होते, लोग जानवरों की जिंदगी गुजारते, कुछ पता ही नहीं कि ये दीन क्या है, इस्लाम क्या है, और हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म पर शुक्र अदा किया, इल्म अंबिया की मीरास है, आप इल्म हासिल करने की कोशिश करो, जितना हो सके इल्म हासिल करो, अपने उलमा से इल्म हासिल करो। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली भी सिखाई। वो फरमाते हैं قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई। दाऊद अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली को समझते थे, علمنا منطق الطير اوتينا من كل شيء, हमें हर चीज अल्लाह ने दी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो ऐसी बादशाही दी इंसानों पर, जिन्नात पर, परिंदों पर, हवाओं पर। और फरमाने लगे हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, लियबलुअनी अशकुर अम अकफुर, ये मेरे इम्तिहान है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। और मन शकर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, अजीम लोग उहदों से तब्दील नहीं होते। सुलेमान अलैहिस्सलाम में, दाऊद अलैहिस्सलाम में उहदे की वजह से ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया था, वो इसको अल्लाह का फजल समझते थे, जिम्मेदारी समझते थे। अब आगे जो ये सूरत सूरत नमल से मौसूम है ना, इस चींटी का वाकया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, चींटी को पता चला लश्कर आ रहा है। قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, चींटी ने आवाज़ लगाई, अपनी कौम से खिताब किया। देखो अपनी कौम के साथ खैरख्वाही की, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बात को कुरान में जिक्र किया। जो अपनी कौम का खैर ख्वाह होता है उसकी बात अल्लाह को पसंद होती है। साहिब यासीन, साहिब यासीन सूरत यासीन तो आप लोग पढ़ते हो ना, उसमें एक शख्स है उसका नाम है, उसको कुरान रजुल कहता है, नाम भी जिक्र नहीं करता है, कि दीन की दावत के लिए बादशाहत और बड़ा आदमी, नाम और आदमी का होना भी लाजिम नहीं है, एक आम इंसान था। रजुलुम मिन अक्सल मदीनती, वो कोट कड़ा हुआ और शेर के आखिरी कोने से आया, अम्बिया अलैहिस्सलाम की हिमायत की और उसने एक तकरीर की, अपने कौम की फिक्र की और कौम के सामने अपना अकीदा बयान किया, कौम ने उसको शहीद भी किया और वो जन्नत में जाकर भी कहते हैं या लैल कौमी यालमून बिमा गफर ली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन। और एक रजुल मोमिन है सूरत मोमिन, उसमें रजुल मोमिन मर्द मोमिन का जिक्र है, और वो कौन था, फिरौन का, फिरौन के खानदान में से था। قال رجل مؤمن من آل فرعون, जब आप दीन का काम करते हैं दुश्मन के घर में भी हिमायती पैदा होते हैं, और उसकी बड़ी तकरीर अल्लाह ताला ने नकल की, बड़ी तकरीर।
قالت نملكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم كاتشيو دلوں میں گھس جاؤ لا يحتملكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں رون نہ ڈالے ان کو پتہ نہیں ہوگا. اب دیکھو ان کا عذر بھی بیان کر رہے ہیں, وہ غلطی جو ابھی انہوں نے کی نہیں احتمال ہے اس کا عذر پہلے سے بیان کر رہے ہیں, چونٹی عذر بیان کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا تمہیں رون ڈالیں گے. اب ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, کسی مسلمان کی بات یا اس کا عمل اس سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں اس کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے, تانے کے بجائے بدگمانی کے بجائے اس کے لیے ہم عذر تلاش کریں. تو ہم لائے شعرون, اور دیکھو چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے صحابہ یہ غیب نہیں جانتے, ہم لائے شعرون غیب نہیں جانتے, ان کو پتہ نہیں ہوگا. چیونٹی کے سر میں کتنا دماغ ہے, معمولی سا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا ہے. اب جو انسان ہو کر وہ کہتے ہیں جی نبی غیب جانتا ہے, ولی غیب جانتا ہے, ولی کو سب کچھ پتا ہے, یہ چیونٹی سی بھی گیا گزرا انسان. سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی فتبسم ضاحكا من قولها, اب وہ مسکرائے. مسکرانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی مسکراتے تھے, یہ امن کا احساس دلاتا ہے, یہ آپ کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے, آپ کے چہرے کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور دوسرے کے دلوں کی چابی ہوتی ہے, یہ اخلاق ہے. حدیث میں آتا ہے آپ ہر مسلمان کی مالی مدد تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن خدل پیشانی سے تو پیش آ سکتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی کتنی زیادہ ہے اور لوگ کتنے متکبرانہ انداز سے جاتے ہیں, اور بعضی دیندار لوگ بھی معمولی ایک آدمی کی شہرت ہو جائے یا اس کو بھی عہدہ مل جائے اور یا تھوڑا سا جو ہے نا اس کی عزت ہو جائے تو بس اس سے بات کرنے سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتا ہے اور بڑے متکبرانہ انداز سے پیش آتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے رعایا کے کمزور ترین فرد چیونٹی سے بات کی, اس کی بات سے آپ مسکرائے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے سامنے جب وہ آپ کی طرف آتا ہو مسکرانا یہ صدقہ ہے. لا تحقرن من المعروف شيئا, کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلب, اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا کیوں نہ ہو. یہ بزرگی نہیں ہے ایک آدمی کسی سے بات نہ کرے اور یوں وہ سب بیٹھ جائے اور بد اخلاقی سے پیش آ جائے غصہ کرے, نہیں. اب سلیمان علیہ السلام دعا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ مجھے شکر کی توفیق دے, کیونکہ اقتدار کے ہوتے ہوئے, اقتدار بھی معمولی نہیں, انسانوں پر, جنات پر, ہواؤں پر, پرندوں پر, اقتدار لوگوں میں کتنا نشہ پیدا کرتا ہے آپ تو دیکھتے ہیں نا لوگوں کو, یہ تو کھلونے ہیں, یہ جو آج کل بندے ہیں کہ ایم پی اے بندے ہیں, ایم این اے بندہ ہے یا وزیر بندہ ہے, آج ہے کل نہیں ہے, آج وزیر اعظم ہے کل مکیہ مارتا ہے, لیکن پھر بھی جب ہوتے ہیں تو کتنے متکبر ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. عہدے کے ہوتے ہوئے انسان اپنے حالت پر برقرار رہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے, ورنہ لوگ تو فرعون بن جاتے ہیں. کہتے ہیں وَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى, اور مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما, وہ عمل صالح ترضا جس کو آپ پسند کرتے ہیں.
पता चला कि हर अमल जिसको इंसान अमल सालिख समझता है वो अल्लाह क्या पसंदीदा नहीं होता है, वो अल्लाह क्या पसंदीदा नहीं होता है। अल्लाह क्या पसंदीदा वो होता है कि उसमें इखलास हो, पैगंबर के तरीके पर हो। अगर इखलास नहीं है, पैगंबर के तरीके पर नहीं है, वो बिदअत कर रहा है, अपनी तरीके से जिक्र कर रहा है, अपनी तरफ से दुआएं बनाई हुई है, अपनी तरफ से वो नमाजें पढ़ रहे हैं, अपने खुद साख्ता दीन बनाया हुआ है, वो उसको तो पसंद है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अभी लोग दीन उस दीन पर अमल करते हैं जो उनको पसंद हो। यानी कुरान करीम से हम लोगों को हिदायत क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि हम एक ख़ास जहन लेकर कुरान को देखते हैं, जबकि कुरान के मुताले से, कुरान के तदब्बुर से उस इंसान को पैदा होता है जो खाली जहन हो कि मुझे कुरान जिस तरफ ले जा रहे हैं मैं उस तरफ जाऊंगा, मुझे पैगंबर की तालीमात जिस तरफ ले जा रहे हैं मैं उस तरफ जाऊंगा। नहीं, लोग कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है, अपने मसले के पहले से बनाए हुए वो जहन में रखे हुए, वो कुरान में देख रहे कि कुरान हमारे मुताबिक है या नहीं। इसलिए जब एक ख़ास चीज़ जहन में रख कर जब वो कुरान को देखता है ना, तो अहदा अशरा में उसको क्या नज़र आता है? ग्यारहवीं नज़र आती है। जी अहदा अशरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन राय तो अहदा अशरा कौकबा, मेरे ग्यारह सितारे देखे। देखो ग्यारह आए हैं ना, तो ग्यारहवीं साबित हो गई। फिर उसको कुरान में ये नज़र आता है, फिर वो देखता है कि जी सूरत माईदा में ईद का लफ्ज़ आया है ना, रब्बना अंजिल अलैना मायदतन मिनस समा तकून ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। अब जिस ईद मिलादुन्नबी साबित हो गई ना, ईद का लफ्ज आया, अब उसको ये मिल रहा है। अच्छा, एक हम जिन परस्त, उसने कहा कि जी हम जिन परस्ती भी कुरान से साबित है। अब युजव्विजु हम ज़ुकरान व इनासा, देखो युजव्विजु हम ज़ुकरान, क्योंकि उनका जहन ही गलत है। तालिब हिदायत नहीं है, तालिब हिदायत बनकर कुरान के सामने बैठेंगे तो कुरान आपको हिदायत देगा। पहले से आप जहन लेकर आप बैठेंगे तो कुरान में आपको फिर वही नज़र आएगा, वो कुरान से तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से इस्तेदलाल करता है। आज हर बातिल वो कुरान से इस्तेदलाल की कोशिश करता है कि अपने फितने को, गलत काम को वो मजहबी रंग दे दें, और अगर उलमा ना हो, उलमा उसका जवाब न दे, आम लोगों की तो बात खराब हो जाएगी। अन आमल सालिहन तरज़ाहु, या अल्लाह वो उस अमल सालिह की तौफीक अता फरमा जो आपको पसंद है। तो अभी लोग अपने मनपसंद अमल करते हैं। एक अल्लाह का दीन है, एक लोगों का अपना बनाया हुआ दीन है। अल्लाह का दीन तो वाज़ेह है, जो कुरान में, जो हदीस में, बस। और जो इबादत है फुकहा ने उसकी तशरीह की है, उसकी वजाहत की है, तो जो इसके मुताबिक है वो सही है, जो इसके मुताबिक नहीं है वो गलत है। वह अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादतिस सालिहीन, फिर कहते हैं या अल्लाह मुझे अपने रहमत के जरिए अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, सालिहीन में। देखो पैगंबर है, उसका बाप भी पैगंबर है, दाऊद अलैहिस्सलाम, लेकिन ये नहीं बोलता या अल्लाह मुझे दाऊद अलैहिस्सलाम की तोफ़ेल, दाऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े, ये नहीं। अल्लाह के रहमत को वसीला करता है, अंबिया जिस चीज़ को वसीला करता है उसको वसीला करो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के खूबसूरत नाम है उसके ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारो, उस वो अल्लाह को वसीला करो। ज़करिया अलैहिस्सलाम सूरत त्वाहा, सूरत मरियम की शुरू में आपने सुना ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। मूसा अलैहिस्सलाम भी रहमत को वसीला करते हैं, अदखिलनी बिरहमतिका, रहमतिका, रहमतिका, अल्लाह की रहमत से दुआ मांगो। फिर आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम एक परिंदे के साथ वास्ता पड़ता है, तफक्कद त्वैर, एक परिंदा था उसको हुदहुद कहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली परिंदों की, हुदहुद गायब है, वो परिंदों का बड़ा था। हम लोग पश्तों में उसको बोलते हैं मूला चरगक,
मुला चरगत, मुला है, सर पे ताज भी होता है, और पूरी उम्मत के एक ममलिकत के हिदायत का सबब बना था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मा लियाला अरल हुदहुद अमकार मिनल गाइबीन, मुझे नज़र नहीं आ रहा है या वो गैर हाजिर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने धमकी दी लो अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन अव लअज़बहन्नहु अव लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, मैं उसको सजा दूंगा या वो माकूल उज़्र पेश करेगा। अब थोड़ी देर के बाद वो आया, वो कहाँ गया था, यमन गया था। फमा का सगैर बाई, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर एक परिंदा किस से बात कर रहा है, एक नबी से बात कर रहा है, वो बादशाह भी है वो पैगंबर भी है, और उसके रियाया का एक छोटा सा कमज़ोर परिंदा उसके साथ बात कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको मौका दिया कि वो सफाई पेश करे, ऐसा नहीं कि गुस्सा आते ही शुरू हो गया और उसको मारा या उसको सजा दी, नहीं। तो कहाँ आए थे, अब वो कहता है अहब तो बिमालम तो हिज भी ही हजरत, मैं वो मालूम करके आया हूँ जो आपको मालूम नहीं। एक पैगंबर को कह रहे हैं, एक बादशाह का कितना रोब होता है, एक पैगंबर का कितना रोब होता है, एक छोटा सा परिंदा कह रहा है ये मुझे वो मालूम है जो आपको मालूम नहीं है। ये ताकत किसने पैदा की, ये इल्म ने, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की शफकत ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंसाफ ने। अभी अगर कोई शागिर्द दोस्तों से कह दे जी मुझे वो मालूम है जो आपको मालूम नहीं है, उस बेचारे की तो फिर खैर नहीं होगी। अच्छा क्या मालूम करके आया हूँ, का जिद्द का मिन सब इन बिनबई यकीन, ममलिकत सबा का यकीनी खबर लेकर आया हूँ, एक ममलिकत मालूम करके आया हूँ। अब एक बात समझाता हूँ आखिरी, फिर बस। आजकल जो लोग यूरोप का सफ़र करके आते हैं, अमेरिका का, बरतानिया का, कनाडा का, या फ्रांस का, या का, वापस आके क्या बयान करते हैं, जी उनके बंगले ऐसे हैं, उनके पार्क ऐसे, उनकी गाड़ियाँ ऐसी हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, उनकी खूबियाँ बयान करते हैं, खूबियाँ बयान, तारीफें, तारीफों के फूल बांधते हैं। ये हुदहुद जब गया था ममलिकत सबा में, सबा उस वक़्त कितना तरक्की याफ्ता मुल्क था कि जब अरब में लड़कियां जिंदा दरबूर की जाती थी वहां एक औरत हुकूमत कर रही थी, जब अरब में पानी नहीं था वहां डैम बना हुआ था, जब अरबों में फल नहीं थे तो वहां उनके बागों में एक आदमी टोकरी सर पर रखकर दाखिल होता, दूसरी तरफ खुद भर जाता हो इससे फल, ऐसे खुशबूदार मुल्क, कपड़ों में जुए भी नहीं होते, और उनके जो बंगले हैं उस जमाने के बने हुए आज तक है, अगर आप देखेंगे तो इस जमाने की इंजीनियर उसका तस्वीर नहीं कर सकते। लेकिन हुदहुद ने किसी चीज की तारीफ नहीं की और उनका शिरक बयान किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो रिपोर्ट पेश की, कहने लगा औरत हुकूमत कर रही है, सूरज की पुजारी है और मुशरिक है, एक मुशरिक हुकूमत मालूम करके आया। आप बताएं हम लोग ज्यादा होशियार हैं या हुदहुद ज्यादा होशियार है? यूरोप और अमेरिका से आने वाले उनका कुफर और शिरक और फहाशी इसको नजरअंदाज करके उनकी तारीफें कर रहे हैं, वो काफिर है, फहाशी है उनके अंदर, कुफर भी है फहाशी भी है, इसके होते हुए बाकी चीजों की क्या हैसियत है, ये उनके बंगलों की तारीफें कर रहे हैं, उनके वसाइल की तारीफें कर रहे हैं। हुदहुद ने ये सब चीजें देखी थी और उस जो औरत थी उसका तख्त भी देख कर आया था, वलहा अर्शुन अजीम, उसमें कितने हीरे होंगे, कितने जवाहरात होंगे, बड़ी चीजें होंगी। हुदहुद ने किसी चीज का तस्करा नहीं किया, इसलिए कि उसकी निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अल्लाह ताला कहता है काफिर बदतरीन जानवर है, इन शर्र दवाब इंद अल्लाह الذين كفروا فهم لا يؤمنون, ये सूरह अनफाल में है। जो कुरान आपने सुना
तरावी में, काश आपको पता भी चल जाए इसमें है क्या, आपकी आंखें खुल जाए। हम तो सिर्फ बरकत की किताब समझते हैं कि जी ये बरकत की किताब है और इसमें क्या शक है कि बरकत की किताब है, लेकिन असल बरकत तो समझ पढ़ना समझना अमल करना असल बरकत है। और जो किताब जिस किताब का एक एक हर्फ जिंदगी देता है उसको हम लोगों ने मुर्दों की किताब बना ली कि जी जो मर जाए ना उसके पीछे कुरान खानी करो। मुर्दे के लिए दुआ बेहतर है, सदका बेहतर है, ये कुरान खानी करता है, ठीक है सवाब मिलता है उसको, लेकिन साबित नहीं है साहब इकराम से। ये पहले जमाने में नहीं थी, पता नहीं कब से यह ईजाद हो गई, कुरान खानी करो। हदीस में आता है कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है इल्ला मिन सलास, उसमें एक तो सदका जारिया है, सदकतुल जारिया, तो उसने कोई ऐसा काम किया हो जो उसको सवाब मिल रहा हो, या इलम जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा हो, आलिम ने उसने किताबें लिखी है शागिर्द पैदा किए, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, या नेक सालिह बेटा जो उसके लिए दुआ करता है, यानी फरमाया उसके लिए कुरान पढ़ता है, ठीक है आप पढ़ो सवाब मिलेगा, लेकिन हदीस में दुआ आता है, असल बात तो वो होती है जो कुरान में है जो हदीस में। अब जिसका बाप जिसके बाप का इंतकाल हो गया उसका बेटा नेक है या नहीं है एक सवाल है, अगर वो अपने बाप के लिए दुआ करता है तो वो नेक है, अगर अपने बाप के लिए दुआ नहीं करता है वो नेक नहीं है, क्योंकि हदीस में उस बेटे को सालिह बोला है जो बाप के लिए दुआ करता है। और इंसान जब मरता है वो सिर्फ सदक़े की तमन्ना करता है, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दका वअकुन मिनस सालिहीन, या अल्लाह आपने मुझे मुअख्खर क्यों नहीं किया कि मैं सदका करता हूँ सालिह बनता, यानी कहा कि जी मैं ज़्यादा नफले पढ़ता हूँ सालिह बनता, ज़्यादा कुरान पढ़ता हूँ सालिह बनता, और ज़्यादा फला काम करता जिक्र करता सालिह बनता, नहीं फअसद्दका, वो सदक़े की फजीलत जब देखेगा। और ये जो किसी का इंतकाल होता है आप बुलाते हैं लोगों को और फिर उनको खिलाते भी हो, ना उनको सवाब मिलते हैं ना आपकी मुर्दे को सवाब मिलता है, या अल्लामा शामी ने इस पर बड़ी बहस की है। हमें दो नंबर दिन चाहिए ना, जो दो नंबर दिन बताए जिंदगी बहुत सवाब है, तो लोगों ने कारोबार बनाया, इधर आगे एक मस्जिद है वो कोने पर उसमें लिखा हुआ है कि जी 10,000 रुपये का एक ख़त्म मिलता है, एडवांस में हमारे पास रखा हुआ है। इंशाल्लाह ये कुरान समझेंगे या नहीं समझेंगे, मौलाना दरस देते हैं, अच्छा उसमें बैठोगे या नहीं बैठोगे, नहीं बैठते लोग दरस में, कहाँ बैठते हैं, कम बैठते हैं, तो जो बैठे उनको बोलो कुरान हाथ में ले लो, एक एक लफ्ज़ का मैं तर्जमा करूँ। आप ये समझते हैं कि आप कुरान से वैसे चले जाएंगे अल्लाह को छोड़ देगा, 19वें पारे में आप देखो एक आयत नजर आएगी उसमें अल्लाह के पैगंबर शिकायत करेंगे, قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا, ए मेरे रब बेशक मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो एक आलिम बेचारा तो यही ऐलान कर सकता है ना कि दरस कुरान होगा, लेकिन दरस कुरान आयत पढ़कर लोग किसे कहानियां बयान करते हैं वो नहीं, एक एक लफ्ज लफ्ज का तर्जमा करो उसका सीधा साधा मतलब बयान करो, तो आप कुरान हाथ में लेके बैठेंगे ना इंशाल्लाह, कुरान लफ्ज और माने दोनों गरा में इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे, आपका अकीदे सही होगा, कुरान सबसे पहले अकीदे सही करता है। और एक आखिरी बात अर्ज करता हूँ फिर बस, सूरत हूद के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے ہیں ظلم کی وجہ سے جبکہ اس کے اندر مصلحین موجود ہو, تو ایک ہوتا ہے صالح ایک ہوتا ہے مصلح, ایک ہوتا ہے صالح ایک ہوتا ہے مصلح, صالح وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات تک نیک ہو خود نیک عمل کرتا ہو عقیدت صحیح ہو عمل صحیح ہو تلاوت کرتا ہو ذکر کرتا ہو لوگوں کا حق ادا کرتا ہو یہ صالح ہے,
मुसलिह वो है जो और लोगों को भी नेकी की तरफ बुलाता हो, उनके गलत बात को गलत कहते हो, गलत कहता हो, जरबकारी करता हो। लोगों की आदत क्या होती है, ये सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, मुसलिहीन से दुश्मनी करते हैं। मैं एक मिसाल बताता हूँ आपको। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम 40 साल तक मक्का में थे, नबूवत से पहले 40 साल गुजारे ना, लोग आपको क्या बोलते थे, सादिक और अमीन, क्योंकि आप सालिह थे। लेकिन जब आप मुसलिह बने, अल्लाह ने आपसे कहा ऐलान करो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर क्या बने, फिर जादूगर बने, साहिर, काहिन, मजनून, कज़्ज़ाब, नऊज़ु बिल्लाह। और फिर आपको वो अज़ियतें पहुंचाई गई, आप फरमाते हैं उजी तो फिल्लाह वलम युज़ा अहदुन। इसलिए जो लोग खुद नेक होते हैं ना, बुजुर्ग जी बैठा हुआ है, मखसूस बातें करता है, लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसको अपने पीर भी मानते हैं, उसको हदीस भी पेश करते हैं, उसकी दावतें भी होती है और उसको हदीस पेश किए जाते हैं और मार व दौलत उस पर नचावर की जाती है। लेकिन जो आलिम हक परस्त हो, लोगों को सही अकीदा बताता हो, सही अमल, सही अखलाक, उनके गलत को गलत कहता हो, लोग उसको टारगेट करते हैं या नहीं। देखो ना, जो उलमा मैदान में काम कर रहे हैं, लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके कार्टून बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे रहे हैं, क्योंकि ये मुसलिहीन है और इन मुसलिहीन की वजह से आज़ाब नहीं आता है। क्योंकि हदीस में आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया इस बस्ती को उलट दो। जिब्रील ने अर्ज़ किया या अल्लाह, उसमें तो एक बुजुर्ग है, लम यासित तरफत आयन, एक अंग जबक के बराबर उसने आपके नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया उसको पहले करो बस्ती को उलट दो उसके ऊपर, लिअन्नहु लम यतमअर फिया वजह, एक दिन भी उसके चेहरे पे बंद नहीं आया मेरे वजह से। तो सालिहीन अपनी जात तक महदूद होते हैं और मुसलिहीन वो होता है जो आपसे साफ कहता है कि आप शिरक कर रहे हैं, आप बिदअत कर रहे हैं, आप इल्हाद के अंदर मुब्तला है, आपकी ये बात गलत है, ये कारोबार गलत है, ये सूद है, ये हराम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुसलिह है। अब लोग ऐसे लोगों के ये खैरख्वाह है, लोग इनके साथ दुश्मनी करते हैं। और जो मीठी मीठी बातें करते हैं कि आ जाओ एक साथ मेरे साथ हफ्ते में आओ, जिक्र करो और तुम बख्शे बख्शाए हो, तुम बहुत नेक लोग हो, बाकी जो मर्जी है और मुझे पैसे देते रहो। और आज एक और अमलियात बहुत करते हैं लोग, जादूगर है, लोग कहते हैं जी ये आमिल है, आमिल नहीं है, जादूगर है। कुरान से लोग नावाकिफ हैं, सूरत बकरा में मालूम नहीं है कि जादू जादू क्या है, जादूगर क्या करते हैं। मसाइल अल्लाह से हल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं मांगता है, दुआ पढ़ता है, दुआ का तरीक़ा नहीं जानता है, दुआ नहीं मांगता है, तावीज़गर के पास जाता है जो खुद बेरोज़गार है, और बेरोज़गार जाता है कहते मुझे तावीज़ दे दो, तो ये उसको तावीज़ दे देता है, कहते 25,000 रुपये दे दो, उसका रोज़गार तो लग गया, इसका रोज़गार और ख़राब हो गया। इनकी दुकानदारियाँ क्यों चमक रहे हैं, ये लोगों की जहालत की वजह से, कुरान से दूरी की वजह से। कुरान से दूर है तो बस लिबास खजिर में या सैकों और अहसन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में रहना है तो समझ पैदा करो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।